ओम शांति ओम फिल्म का गाना दीवानगी दीवानगी, वो गाना एक कल्ट गाना है। उस गाने की बहुत अच्छी रिकॉल वैल्यू है, उस गाने की पिक्चराइजेशन टेरिफिक है, लेकिन उस गाने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यूएसपी जिसको कहा जाता है, वो ये है कि बॉलीवुड के बहुत से स्टार्स उस गाने में हैं। एटलीस्ट 31 स्टार्स उस गाने में हैं। एंड उस गाने को जिसमें पिक्चराइज किया गया है, वो ऑफ कोर्स हम सबको समझ में आता है कि करण जौहर ने वो जो सिंटैक्स डेवलप किया था, करण जौहर ने वो जो टेम्पलेट डेवलप किया था, करण जौहर ने जो वो टोन डेवलप किया था गानों के शूट के लिए, उस टोन को, उस टेम्पलेट को, उस एटमोसफियर को कम्प्लीटली रिप ऑफ किया है फराह खान ने दीवानगी दीवानगी गाने को शूट करने के लिए। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने किया, ऐसे फराह खान पे आरोप क्यों लगे? लव रंजन भी आज जो गाने शूट कर रहे हैं वो करण जौहर के उसी टेम्पलेट से बोरो करके गानों को शूट कर रहे हैं। तो फराह खान ने भी दीवानगी दीवानगी गाने को करण जौहर के उस टेम्पलेट और उस एटमोसफियर से रिप ऑफ करके, कॉपी करके, इंस्पायर होके, जो आप कहना कह सकते हो, उससे इंस्पायर होके करण फराह खान ने दीवानगी दीवानगी गाना शूट किया था, राइट? फराह खान ने जब वो गाना रिलीज हुआ था तो फराह खान ने बहुत से दावे किए। फराह खान ने कहा था कि ये मेरा ओरिजिनल विजन है, मैंने इस चीज को एनविजन किया था, मैंने सोचा था कि एक गाना ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बॉलीवुड के बहुत से लीडिंग हीरोज आएंगे, बहुत सी लीडिंग हीरोइंस आएंगी, बहुत से वेटरन्स आएंगे, बहुत से सुपरस्टार्स आएंगे। फराह खान ने बोला था कि मैं चाहती थी कि ये चीज मेरी फिल्मोग्राफी में हो जाए, मैं शाहरुख खान के साथ ही करना चाहती थी, वगैरह वगैरह। और फराह ने ये बोला कि ये मेरा ओरिजिनल विजन है, इससे पहले वर्ल्ड सिनेमा में इसको कभी किया नहीं गया था, राइट? ये सारी चीजों का दावा फराह खान ने किया था जब ओम शांति ओम फिल्म रिलीज हो रही थी। आई स्टिल रिमेम्बर दिवाली 2007 में वो फिल्म रिलीज हुई थी, सावनिया के साथ उस फिल्म का क्लैश था, और वो फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड फिल्म थी। उस फिल्म के पीछे जो पीआर लगा था, उस फिल्म की जो मार्केटिंग हुई थी, उस फिल्म का जो एक टेम्पलेट था, जितनी बातें उस फिल्म को लेकर के हुई थी, उससे पहले हिंदी सिनेमा के इतिहास में शायद ही किसी फिल्म के रिलीज के पहले उतनी एक्साइटमेंट, उतनी बातें, उतने कॉन्वर्सेशन जनरेट किए गए होंगे। ओम शांति ओम एक बहुत ही एंटिसिपेटेड फिल्म थी और फिल्म बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर के तौर पे भी साबित हुई, लेकिन फिल्म का ये जो गाना था दीवानगी दीवानगी, वो उस फिल्म का यूएसपी था। लोग स्पेशली उस गाने को देखने के लिए थिएटर में गए थे, ऐसे भी बहुत सारे लोग थे। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि फराह खान ने जो दावे किए थे उस वक्त कि ये मेरा ओरिजिनल विजन है और ऐसा वर्ल्ड सिनेमा में पहले कभी नहीं हुआ कि इंडस्ट्री के इतने सारे वेटरन से गाने में आए हों, वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ही गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। हिंदी सिनेमा में ही एक फिल्म आ चुकी है, उसमें गाना आ चुका है, जहाँ पे इंडस्ट्री के बहुत से सुपरस्टार्स उस गाने में होते हैं। फिल्म है 1981 की फिल्म, जिसमें अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। फिल्म का नाम है नसीब, उसको प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था मनमोहन देसाई ने। एंड उस फिल्म में गाना आता है जॉन जॉनी जनार्दन, वो गाना इस फिल्म है, जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम 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 पम। वहां पे अमिताभ बच्चन एज अ वेटर उस गाने के सिचुएशन में है। एंड उस सॉन्ग में राजेश खन्ना भी आते हैं, राज कपूर भी आते हैं, रणधीर कपूर भी आते हैं, शम्मी कपूर भी आते हैं, राजेश रोशन भी आते हैं, वहीदा रहमान भी आती हैं, शर्मिला टैगोर भी आती हैं, धर्मेंद्र भी आते हैं, सिंपल कपाड़िया भी आती हैं। उस गाने में बहुत से सुपरस्टार्स आते हैं और वो गाना भी 4.5-5 मिनट का है तकरीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उस गाने में ऑफकोर्स अमिताभ बच्चन तो है ही, अमिताभ बच्चन उस गाने में एज अ वेटर है। और गाने का सिचुएशन ऐसा है कि एक फिल्म पार्टी काइंड ऑफ है और वहां पे फिल्म स्टार्स बहुत सारे आ रहे हैं और ये सारे ही वेटरन, सारे ही सुपरस्टार्स, जैसा कि मैंने कहा, राजेश खन्ना हो चाहे, या राज कपूर हो, शम्मी कपूर हो, रणधीर कपूर हो, वहीदा रहमान हो, शर्मिला टैगोर हो, सिमी गरेवाल, सिंपल कपाड़िया, ना जाने कितने लोग उस गाने में आते हैं और उस गाने में वो लोग भी परफॉर्म करते हैं। गाने की सिचुएशन बहुत प्यारी है, लेकिन इस चीज को पहले मनमोहन देसाई ने एनविजन किया था 1981 की फिल्म नसीब में, उस चीज को उन्होंने एनेक्ट भी कर दिया था। तो फराह खान का जो ये दावा है कि दीवानगी दीवानगी उनका ओरिजिनल विजन है, यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ था कि बॉलीवुड के इतने सारे सुपरस्टार्स और वेटरन्स वगैरह वगैरह एक गाने में आते हैं, वो बिल्कुल ही गलत है, वो बिल्कुल ही झूठ है। नसीब फिल्म 1981, उसका गाना है जॉन जॉनी जनार्दन, उसमें बहुत से इंडस्ट्री के वेटरन्स, बहुत से सुपरस्टार्स, बहुत से लेजेंड उसी वे में आते हैं उस गाने में, और अमिताभ बच्चन गाना गा रहे हैं जॉन जॉनी जनार्दन। मोहम्मद रफी की आवाज है गाने में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है ऑफ कोर्स, एंड आनंद बख्शी के लिरिक्स है। तो फराह खान ने ये कहा होगा, ऑफ कोर्स फराह खान ने को खुद को ये दिखाना था कि मैं विजनरी हूँ और मैंने ओरिजिनल आइडिया सोचा है वगैरह वगैरह, बट ऑफ कोर्स दैट्स नॉट ट्रू। ये चीज फराह खान ने उस वक्त कही थी कि ये मेरा ओरिजिनल आइडिया और मैं सही फिल्म में, सही सिचुएशन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती थी। लुक द थिंग इज कि अगर आप एक ऐसा ओरिजिनल आइडिया डेवलप कर लेते हो, राइट, जो ओरिजिनली तो मनमोहन देसाई ने डेवलप किया था कि एक गाना होगा जिसमें बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आएंगे, एक फिल्म में एक गाना होगा उसमें बॉलीवुड के बहुत सारे स्टार्स आएंगे और वो खुद को ही प्ले करेंगे, राइट, ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं करेंगे, खुद को ही प्ले करेंगे, एक फिल्मी पार्टी काइंड ऑफ सिचुएशन होगा, उसमें बहुत सारे बॉलीवुड के स्टार्स आएंगे, वो चीज ओरिजिनली तो मनमोहन देसाई ने एनविजन की थी। द रियलिटी इज कि अगर ऐसी कोई चीज, ऐसा ओरिजिनल आइडिया, ऐसा ब्रेथ टेकिंग आइडिया कोई
कोई एनविजन कर लेता है तो ऑफकोर्स ये वो जानना चाहेगा कि ये फलाना फलाना स्टार्स उस गाने में आएंगे या नहीं आएंगे। और अगर फलाना फलाना स्टार्स भी उस गाने में आने को तैयार हो जाते हैं तो सीधी सीधी बात है, कोई भी डायरेक्टर या कोई भी राइटर जिसने इस चीज को एनविजन किया है वो ये वेट नहीं करेगा कि परफेक्ट फिल्म में परफेक्ट सिचुएशन में मैं इस चीज को इंप्लीमेंट करूं, वो बिल्कुल वेट नहीं करेगा। अगर फिल्म में वो सिचुएशन नहीं आती है तो उस सिचुएशन को डेवलप किया जाएगा, डेफिनेटली उस सिचुएशन को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि इतना ओरिजिनल आइडिया यार आप चाहोगे कि जल्दी जल्दी आप यूज कर लो इससे पहले कि किसी और फिल्म मेकर को राइटर को वो आइडिया आ जाए। दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी, दैट्स द वे इट्स गोइंग टू बी। उसके लिए कोई वेट नहीं करने वाला कि यार परफेक्ट फिल्म है परफेक्ट सिचुएशन, पर चला 20 साल बाद आपकी वो परफेक्ट फिल्म आई, वहां पे परफेक्ट सिचुएशन आया लेकिन सारे स्टार्स सुपरस्टार्स रिप्लेस हो गए थे और उस वक्त के सुपरस्टार आपके साथ उस गाने को करना नहीं चाहते, राइट? तो वो तो कोई वेट नहीं करेगा, राइट? तो फराह खान का ये कहना कि मैं परफेक्ट फिल्म में परफेक्ट सिचुएशन में डाल रही थी वो भी बिल्कुल सही नहीं है। मनमोहन देसाई ने ऑफकोर्स उसको एनविजन कर लिया था और जैसे ही वो ये चीज समझ गए होंगे कि राज कपूर, धर्मेंद्र साहब, राजेश खन्ना साहब, शर्मिला टैगोर वगैरह वगैरह उस गाने में आने को तैयार हो जाएंगे, उन्होंने तुरंत उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और अपनी फिल्म में शूट करके डाल दिया। वो मनमोहन देसाई का ओरिजिनल विजन था, फिल्म 1981 की नसीब और अमिताभ बच्चन उस फिल्म को लीड कर रहे थे, राइट? नाउ कमिंग टू दीवानगी 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 इज अ ब्रेथ टेकिंग सॉन्ग। उस गाने में 31 स्टार्स आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी ज्यादा ही होंगे लेकिन 30 प्लस लोग ही आते हैं और सारे ही लोग जितने भी लोग आते हैं तीन कैटेगरी में हैं, या तो वेटरन्स हैं उस गाने में सबके सब, या तो स्टार्स हैं, या तो अनफॉर्चुनेटली जो लोग उतने बड़े स्टार्स नहीं बन पाए, जो थोड़े फ्लॉप हो गए वो लोग भी उस गाने में हैं। लेकिन फराह खान ने सबको ही स्क्रीन टाइम दिया है, सबको ही बहुत अच्छे से कैप्चर किया है, कोई एक इंसान भी ये नहीं बोल सकता कि उसको अच्छे से कैप्चर किया नहीं गया, कोई एक इंसान नहीं कह सकता, चाहे आफ्ताब शिवदसानी हो, डीनो मौर्या हो, एक्सट्रीमली लाइकेबल फिल्म पर्सनैलिटीज, बहुत ही ज्यादा लाइकेबल, उन लोगों को उसमें फिल्मी दुनिया में बिजनेस में मौके नहीं मिले ऑफकोर्स, लेकिन उनको भी फराह खान ने उस गाने में मौका दिया, वो लोग भी उस गाने में आते हैं और उनको भी फराह खान ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, चाहे सुनील शेट्टी को जिसमें कैप्चर किया गया, उर्मिला माटो सबको फराह खान ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया, नो डाउट अबाउट इट। एंड जैसा कि मैंने कहा, गाने का जो टेम्पलेट है वो तो पूरा करण जौहर की फिल्मों से, करण जौहर जिससे मैं गाने अपने शूट करना पसंद करते, जो उन्होंने कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना में टेम्पलेट सेट किया था, उसको तो ऑफकोर्स फराह खान ने इम्प्लीमेंट किया है, वहां से उसको उठाया है, जो लव रंजन भी आज कर रहे हैं अपने गानों में, तो वो चीज तो है ना। एक चीज और जो फराह खान ने कहा था कि गाने में हर कोई है, बॉलीवुड का हर कोई है, उस गाने के एक ही फ्लॉ है जो मुझे ओरिजिनली भी दिख गया था और मुझे आज भी दिखता है, जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो ये कि गाने में सुपरस्टार्स नहीं है, गाने में सुपरस्टार नहीं। अगर आप पूरे गाने को देखते हो दीवानगी दीवानगी गाने को, तो गाने में सिर्फ एक ही सुपरस्टार आते हैं, शाहरुख खान तो है उस कैरेक्टर में, बट देयर इज ओनली वन सुपरस्टार इन दिस होल सॉन्ग एंड दैट सलमान खान, राइट? आमिर खान उस गाने में नहीं है, अक्षय कुमार उस गाने में नहीं है, अजय देवगन उस गाने में नहीं है और ऋतिक रोशन भी उस गाने में नहीं है, जो लोग उस वक्त सुपरस्टार्स बन चुके थे। नाउ द थिंग इज कि आमिर खान ने बाद में बोला भी कि वो उस गाने को करना नहीं चाहते थे क्योंकि उनका मन नहीं था, वो तो आमिर खान ने एक्सेप्ट किया भी। अक्षय कुमार उस फिल्म में थे, वो जो फिल्म फेयर अवार्ड वाला सीक्वेंस आता है वहां पे अक्षय कुमार होते भी हैं, उनके बगल में जो आदमी गॉगल पहन के बैठा होता है उसका गॉगल वो फेंक देते हैं, राइट? तो अक्षय कुमार भी थे, पता नहीं अक्षय कुमार को उन्होंने गाने में क्यों नहीं यूटिलाइज किया, फराह खान ने वहां पे क्यों यूटिलाइज किया, ऑल्दो वहां पे जहां यूटिलाइज किया फिल्म फेयर अवार्ड सेरेमनी में वो भी टेरिफिक था, ब्रेथ टेकिंग, वो एक फिल्म का मेजर हाईलाइट भी, अक्षय कुमार का वो जो पूरा गोली चलाने वाला होता है एंड ऑल दैट, राइट, वो हाईलाइट भी है, बट अक्षय कुमार गाने में नहीं थे, अजय देवगन गाने में नहीं थे एंड ऋतिक रोशन भी गाने में नहीं थे। ऋतिक रोशन भी फिल्म फेयर वाली सेरेमनी के आसपास जब वो फिल्म में आता है फिल्म फेयर अवार्ड वाला सेरेमनी वहां पे ऋतिक रोशन होते हैं, राइट, बट वो गाने में नहीं थे। Now the thing is कि यार of course dates का issue रहा होगा, आमिर खान ने तो कहा ही कि वो नहीं करना चाहते थे, but of course अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन और अजय देवगन वहाँ पे नहीं थे, I'm sure वो dates का issue रहा होगा, dates का issue रहा होगा, because अक्षय कुमार और ऋतिक रोशन और अजय देवगन सभी close है फराह खान के, फराह खान की सबसे अच्छी friendship है, तो I'm sure dates का issue रहा होगा। सलमान was of course obviously there, वो सलमान शाहरुख खान के बहुत close friend है तो वो तो वहाँ पे थे ही, but except for सलमान खान I think उस गाने में कोई भी superstar नहीं था, शाहरुख की सारी friends तो थी ही, वेटरन्स थे और अपकमिंग जो उस वक्त में बिल किए गए थे रितेश देशमुख काइंड ऑफ लोग, बहुत बड़े स्टार्स हैं वगैरह वगैरह, वो लोग उसमें थे, राइट? बट यार फराह खान के क्रेडिट पे ये है कि फराह खान ने नए लड़के लड़कियों को भी मौका दिया यार, एंड आई एम इमेंसली हैप्पी यार कि डीनो मौर्या और आफ्ताब शिवदसानी जैसे लोगों को भी गाने में डाला गया था यार, यू नो अनफॉर्चुनेटली उनको उसमें में काम नहीं मिला, वो नेपो किड्स भी नहीं है, उनको उसमें सेटअप नहीं किया गया, बट सबको बहुत अच्छे से कैप्चर किया, सबको बराबर स्टेप्स दिए गए, और अगेन यू नो जब इतने सारे लोग हो जाते हैं तो कई बार ये कंप्लेंट्स होती है कि यार हमें अच्छे से कैप्चर नहीं किया गया, हम फ्रेम के बाहर थे, हमको बोला कुछ और गया था, किया कुछ और गया वगैरह वगैरह, बट दैट्स एब्सोल्युटली फॉल्स, सबको बहुत अच्छे से कैप्चर किया गया, कोई भी इंसान कंप्लेन नहीं कर सकता कि यू नो उसको अच्छे से कैप्चर नहीं किया गया, उसको मूव नहीं दिया गया, उसको उसका मोमेंट नहीं दिया गया,
जितने भी लोग उस गाने में आते हैं बॉलीवुड से रिलेटेड, हर किसी को आप ध्यान में रखते हो, हर किसी को आपको ध्यान में रखते हो। ऐसा नहीं होता कि आप भूल चुके हो। आज जो लोग बहुत दिन से दीवानगी दीवानगी वीडियो ना देखे हो, उनको आप बोलो कि डिनो मौर्या उस गाने में है, तो लोग बोल रहे हमें तो याद ही नहीं है। आपको सबको याद है कि डिनो मौर्या भी उस गाने में, सबको याद है अफताबशी दिसानी उस गाने में, सबको याद है उर्मिला मातोंडकर उस गाने में, सबको याद है तब्बू उस गाने में, यू नो वो रेड साड़ी में जिसमें होती है, सबको याद है शिल्पा शेट्टी उस गाने में। और उस वक्त शिल्पा शेट्टी, उनका उस लेवल का काम नहीं था राइट, अफताब और डिनो के पास लेवल का काम नहीं था राइट, बट सबको फराह खान ने बहुत अच्छे से कैप्चर किया है। एंड जैसा कि मैंने कहा यार, गाने में सिर्फ एक ही फ्लॉ मुझे दिखा कि सुपरस्टार्स नहीं थे, एक्सेप्ट सलमान खान, यू नो अक्षय भी नहीं थे, आमिर भी नहीं थे, अजय भी नहीं थे, ऋतिक भी नहीं थे। आमिर ने तो कहा कि वो नहीं करना चाहते थे, बट ऑफकोर्स अगर ऋतिक होते, अक्षय होते, अजय होते तो मे बी वो गाना और बेटर होता, बट अगेन इट्स अ 10 ऑन 10 सॉन्ग एनी विच वे राइट। तो वो चीजें हैं राइट, बट फराह खान का ये कहना कि मेरा ओरिजिनल विजन था इज रॉन्ग। जॉन जॉनी जनार्दन सॉन्ग ने उस गाने को इंस्पायर किया है। जॉन जॉनी जनार्दन सॉन्ग जो 1981 नसीब फिल्म में हो चुका था, उस गाने में अमिताभ बच्चन होते हैं एज अ वेटर, और राज कपूर और रणधीर कपूर और शम्मी कपूर और राजेश रोशन, राकेश खन्ना, सिंपल कपाड़िया हो, यू नो वहीदा रहमान हो, शर्मिला टैगोर हो, धर्मेंद्र हो, वो सब लोग आ ही रहे होते हैं उस गाने में, यू नो सबकी एंट्री हो ही रही होती है राइट। तो वो चीज है, लेकिन फराह खान ने फिर भी यू नो लोगों को बताने की कोशिश की कि नहीं मेरा ओरिजिनल विजन है दिस एंड दैट, बट वो मनमोहन देसाई का विजन था। मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस की थी 1981 की फिल्म नसीब, एंड जॉन जॉनी जनार्दन जो गाना है उसी ने डेफिनेटली उसी गाने ने इंस्पायर किया था दीवानगी दीवानगी सॉन्ग को। नाउ दीवानगी दीवानगी सॉन्ग में एक चीज और है, जब गाना दीवानगी दीवानगी शुरू होता है, ऑफकोर्स रानी मुखर्जी वहां पे उस गाने को शुरू करती है, उस वक्त जब शाहरुख खान खड़े हैं, शाहरुख खान के शोल्डर में उनके फादर ने हाथ डाला हुआ उस सिचुएशन में, उस वक्त शाहरुख के पीछे जो लड़की खड़ी है वो लिन है राइट, जो आज रणदीप हुड्डा की वाइफ है राइट। शाहरुख के पीछे जब गाने की शुरुआत में जो लड़की खड़ी है, जब शाहरुख के फादर शाहरुख के गले पे हाथ डाले उस सीन में, ओम कपूर के गले पे हाथ डाले उनके फादर, उनके पीछे जो लड़की खड़ी हुई है वो लिन है, वो रणदीप हुड्डा की आज करंट वाइफ है। दैट शोज यू कि लिन जो उस वक्त उस गाने में लिटरली माइन्यूट से वे में आती है, उनको से में काम नहीं मिला, नाउ शी इज मैरिड टू अ बॉलीवुड पर्सन राइट, रणदीप हुड्डा। मुझे उनका पूरा नाम याद नहीं आ रहा लिन का, बट वो रणदीप हुड्डा की वाइफ का नाम लिनी है और वो उस गाने में है डेफिनेटली राइट। दीवानगी दीवानगी सॉन्ग गाना जब शुरू होता है रानी मुखर्जी की एंट्री के पहले, शाहरुख खान के जस्ट पीछे, जब शाहरुख के फादर उनके शोल्डर पे हाथ डाले हुए यहाँ पे उनके जस्ट पीछे, दो लड़कियां होती हैं जस्ट पीछे उनके जो ब्लैक में खड़ी है, वो दैट्स लिन, डेफिनेटली दैट्स लिन, रणदीप हुड्डा की वाइफ राइट। एंड दैट शोज यू कि हाउ डिफिकल्ट इज द बॉलीवुड जंगल राइट। उस गाने में थी दीवानगी दीवानगी सॉन्ग में थी, शाहरुख का एक्सेस था सर्टेन लेवल का, बट इट डिड नॉट वर्क आउट फॉर, उसके बाद आई डोंट नो शायद वो किसी गाने में होंगी, फिल्म में होंगी, बट इट्स बीन डिफिकल्ट फॉर हर। चलो बाय।